Hey guys, what's up? ये तो मेरा रूटीन का पार्ट बन चुका है. इसमें डेली रूटीन क्या करें? Alright guys, so जिन लोगों को नहीं पता, अभी मैं फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रोस्टार एंड इट्स बिन टू डेज. मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अभी खोला है तो आई एम रियली लाइकिंग दिस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. बहुत अच्छा फ्लेवर है. सो गाइज, एज यू नो दैट मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार मंगवाया था फ्लिपकार्ट से एंड आई गॉट अ जेन्युइन प्रोडक्ट. तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ उसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड इट्स रियली गुड. मिक्सेबिलिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, इफेक्टिवनेस अभी पता मैं बताऊँगा कम से कम 2-3 हफ्ते या 1 महीने बाद, तब तक मैं यूज करूंगा अच्छे से. एंड बात आज की ये है, जो टॉपिक है प्री वर्कआउट्स. बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए. पर्सनली मैं प्री वर्कआउट जिंदगी में मैंने 1 या 2 बार लिया होगा मुश्किल से, उसके बाद मैं नहीं लेता क्योंकि जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट की. हाँ, जो इंटेंस ज्यादा वर्कआउट करते हैं. और एक चीज और बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, मेरी बहुत ही फक हेक्टिक शेड्यूल है. लाइक मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, सुबह 5 बजे उठना, फिर यू नो गेटिंग रेडी, लीविंग एट अराउंड 6:37, फिर वहाँ 2 hours की ट्रैवल, फिर वहाँ से वापस आना एंड उसके बाद मैं यहाँ पे घर पहुँचता हूँ अराउंड 7:38. उसके बाद यहाँ पे मेरी यार में जिम्स 10 बजे बंद हो जाते हैं, तो यू नो आई गेट ओनली 1.5 or 1 hour ऑफ जिम. उसमें भी यू नो यहाँ से ट्रैवलिंग टू द जिम, वो उसमें से टाइम रिड्यूस हो जाता है. तो ये सब टाइम इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद यू नो आप मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हो. ऑब्वियसली आओगे क्योंकि आप पहले अपनी ऑफिस का यू नो डेली शिफ्ट आवर्स कंप्लीट करोगे, फिर काम करोगे, थक जाता है इंसान. कोई भी नॉर्मल होगा वो थक जाएगा. सो उनके लिए प्री वर्कआउट्स रिकमेंडेड है क्योंकि वो ना एक स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक अंदर से एक रश मिलता है उनको कि यू नो फॉर अ पॉजिटिव वर्कआउट, या फिर एक बूस्ट मिल जाता है अंदर से जो कैफीन होता है बेसिकली. तो मैं रिकमेंड करूंगा जिसका बजट नहीं है वो कोई भी कैफीन ले लें, कैफीन प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नॉट अ प्रमोशन वीडियो, कोई भी प्रोडक्ट किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं. पहले अपना मैं प्रोटीन पी लेता हूँ क्योंकि इट विल बी एन इनजस्टिस. डू नॉट लीव वन लास्ट ड्रॉप, एवरी ड्रॉप काउंट्स ब्रो. ठीक है, तो जो लोग प्री वर्कआउट अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग जो बोलते हैं कॉफी का एक पाउच आता है 1 रुपए के, वो ले लो खा लो, ठीक है वो ठीक है, बट दैट्स नॉट यू नो वो इतना आपको रश नहीं देगा, इतना आपको पुश नहीं देगा क्योंकि यार उसमें उसका एमजी कम होता है. ठीक है, कितना भी बोल लो 10 पैकेट खाओ या 20 पैकेट खाओ तब जाके कुछ होगा. इससे बेटर है कि आप कोई भी कैफीन बेस्ड, मैं जो मेरे पास है वो जेनिथ न्यूट्रिशन का है कैफीन, जेनिथ न्यूट्रिशन. सो मैं इसके 2 टैबलेट्स लेता हूँ, इसमें 90 कैप्सूल्स हैं इसमें, तो मैं 2 टैबलेट्स लेता हूँ वर्कआउट से 20 मिनट पहले ले लेता हूँ एंड इट गिव्स मी अ गुड यू नो गुड रश. स्वेटिंग अच्छी होती है, यू नो ब्लड पम्प अच्छा होता है तुम्हारा, बॉडी पम्प अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. तो कैफीन बेसिकली एक मेंटल फोकस देता है तुम्हें, ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम्हें एनर्जी दे देगा, कुछ कर देगा. इट जस्ट गिव यू मेंटल यू नो फोकस कि हाँ मुझे जिम करना है एंड यू नो फोकस वहीं लगा रहेगा आपका, ये नहीं कि आप इधर के बारे में सोच रहे हो. तो इट्स बेटर टू यूज अ प्री वर्कआउट. अगर आप प्री वर्कआउट अफोर्ड कर सकते हैं देन इट्स रियली गुड. इतने अच्छे अच्छे प्री वर्कआउट्स आते हैं, अगर आप लेना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं. C4 का आता है ओरिजिनल प्री वर्कआउट, दैट्स फकिंग अमेजिंग. और सेकेंड जो मेरा, मैंने ट्राई नहीं किया बट मैंने सुना बहुत है कि नाइट्रोफ्लेक्स, गैट का नाइट्रोफ्लेक्स आता है प्री वर्कआउट, इट्स रियली रियली गुड. सो यू कैन यू नो ट्राई एनी वन ऑफ दीज एंड इफ इन केस यू हैव अ बजट कॉन्स्टेंट देन ट्राई दिस कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट. और अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप वर्कआउट से आधे घंटे पहले ब्लैक कॉफी बना लो, या ब्लैक मतलब जब आप कॉफी बनाओगे उसमें दूध मत ऐड करना, चीनी मत ऐड करना, जस्ट ऐड एक गर्म पानी में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच कॉफी मिला के पी जाओ आधे घंटे पहले एंड देन गो टू द वर्कआउट. इट विल रियली रियली हेल्प यू गाइज एंड फोकसिंग इन द वर्कआउट. सो मेन मोटिव यही था आप लोगों को सस्ती चीज बताना और इफेक्टिव चीज बताना. जो लोग के पास बजट कॉन्स्टेंट है वो ले सकते हैं ये प्रोडक्ट,
और जिनका नहीं है बजट कॉन्स्टेंट, जिनके पास पैसे हैं तो भाई प्री वर्कआउट तो तुम लोगे ही लोगे, नहीं लोगे तो यार पैसे हैं तो फिर BCA ग्लूटामीन फलाना ढिमकाना सारे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, दैट डजंट मैटर। बट मेनली होता है कि जो लोग बेचारे थके हुए होते हैं ऑफिस से आके, घर में बीवी बच्चे परेशान करते हैं, तो वो ले सकते हैं कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट। एंड डू लेट मी नो अबाउट योर व्यूज ऑन दैट एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस, एंड आई रियली लव यू ऑल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय। With the